दीजिएगा। आप ही लोग बोलते थे भगवान से लड़ने के लिए तैयार थे कि बहन हो बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, अब बेटी आई है तो आप लोग सबको भर भर झोली आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सारण में। देखिए सारण में रोहिणी आचार्य का रोड शो हो रहा है और भीड़ आप देख सकते हैं, जहां जहां से रोहिणी आचार्य का काफिला जो है वो गुजर रहा है वहां वहां पर काफ़ी भीड़ आ रही है और हर तरफ आरजेडी के झंडे लहरा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। चुनावी माहौल अब दिखने लगा है। देखिए चुनावी अखाड़े में उतरी हैं रोहिणी आचार्य और अब सारण पहुँची हैं, रोड शो हो रहा है, तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं। रोहिणी आचार्य सारण में जब निकली हैं इस चिलचिलाती धूप में, एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। रोहिणी जी, चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी का मौसम है, फिर भी महिलाएं बच्चे सब सड़कों पर हैं। सारा इनका प्यार है, प्यार है ना, हमको प्रोटेक्ट किए हुए चारों तरफ से इनका आशीर्वाद है। हमको कुछ नहीं होने वाला, ना ही हम जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने सारण की जनता, सारण की माताओं का, बहनों का, सबका हम मेरे विरोधी को भी प्रणाम, मेरे तरफ से प्रणाम, आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग सब कोई अभिभावक है, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। आप ही लोग बोलते थे भगवान से लड़ने के लिए तैयार थे कि बहन हो बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, अब बेटी आई है तो आप लोग सबको भर भर झोली आशीर्वाद दीजिए। एक सवाल पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है, आप खुद को कितना खुशनसीब मानती है, आपने अपने पिता को किडनी दी? मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अपने पिताजी को किडनी दिया, या मैंने अपने बेटी धर्म निभाया है, पिता के प्रति सच्चा प्यार हम मिल लेते हैं सच्चा प्यार अपना पिता के लिए था मेरे लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी बेटी, आदर्श बेटी हर एक घर में हो। और कौन पिता नहीं चाहता है जो मेरे जैसी बेटी हो, कौन पिता नहीं चाहता कि मेरी जैसी बेटी हो। आप पूरे सारण की बेटी हैं? हाँ, पूरे सारण, पूरे बिहार, पूरे इंडिया की बेटी हूँ। हाँ, पूरे विदेश में भी लोग मेरी इतनी तारीफ की। ये उत्साह क्या बता रहा है, ये 2024 का जो उत्साह है क्या दिखा रहा है? अब ये देखिए आप बताइए, आप लोग तो ज्यादा अच्छा से जानते हैं। आपके विरोधियों के निशाने पर भी आप ही हैं, लालू परिवार में स्पेसिफिक आप ही रहती हैं। रहने दीजिए, हम तो बोल रहे हैं ना कि हमको सबका सहयोग चाहिए, सब लोग कामना कर रहे थे भगवान से लड़ने के लिए तैयार थे कि भगवान हमको रोहिणी जैसी बेटी काहे नहीं दिए। एक मिनट भैया बात करो। आपके विरोधियों को भी आप प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने की बहन बेटी आई है, आशीर्वाद दीजिए बहन। जिस तरह से अंतिम सवाल है, मैं नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस बार पलटी मारी, कहा कि आप लोग अब जीतेंगे नहीं, मोदी जी ही 40 की बात कर रहे हैं बिहार में, अब उनको चाचा जी हैं, अब क्या बोले, बुजुर्ग हैं, प्रणाम करते हैं, चाचा जी हमको आशीर्वाद दीजिएगा, आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, आशीर्वाद दीजिए। नीतीश जी से आशीर्वाद मांग रही है? तो उन्हीं से तो मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं, जितने भी मेरे विरोधी सब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे संस्कार में है बड़ों बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना, मेरे संस्कार में है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब वो अपना संस्कार का परिचय दे, बेटी के सामने कौन टिका है। रोहिणी आचार्य हमारे साथ थी, क्या कुछ वो कह रही हैं। हर तरफ आरजेडी के झंडे और नारे जो हैं वो गूंज रहे हैं। रोहिणी आचार्य जब सारण में है रोड शो कर रही हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। देखिए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए हर तरफ आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और रोहिणी आचार्य ने आज जब अपनी ढाका एंट्री कर दी है, एक अलग स्वैग दिख रहा है रोहिणी आचार्य का। तो रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश हो रही है, महिलाएं उनसे मिल रही हैं बड़ी संख्या में, सड़कों पर उतर के इस चिलचिलाती हुई धूप में भी। ये तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं सारण की सड़कों से, छपरा की सड़कों से, सारण लोकसभा में छपरा आता है और रोहिणी आचार्य का ये रोड शो। हर तरफ आरजेडी के झंडे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, रोहिणी आचार्य का खूब भव्य स्वागत किया जा रहा है फूलों की बारिश करके, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी आचार्य भी काफ़ी खुश हैं, सभी का आशीर्वाद ले रही हैं। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है इस चिलचिलाती हुई धूप में भी। रोहिणी आचार्य जो है वो रोड शो कर रही हैं, सोनपुर से आगे बढ़ी है छपरा की ओर और ये काफिला, गाड़ियों का काफिला भी है जहाँ रोहिणी आचार्य अपने समर्थकों के बीच रोड शो करती हुई दिख रही हैं। सुनील सिंह भी हैं। सुनील जी, यहाँ से राजीव प्रताप रूडी कई बार जीतते रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? अरे भाई कहीं दिखेंगे ही नहीं, मैंने तो पहले भी बोला कि आसमान में उड़ने वाले लोग धरातल की बात क्या जाने, धरातल की बात वो नहीं जानते हैं। सारण में लालू प्रसाद ने खूब काम किया था, रोहिणी जी उतना उतर पाएंगे? अरे भाई आज जो आप रोड पर पूरा प्यार देख रहे हैं, स्नेह देख रहे हैं यहाँ की जनता का, यह कहीं ना कहीं बताता है कि लालू प्रसाद जी ने इस क्षेत्र के लिए, सारण के लिए क्या उनका योगदान है। चिलचिलाती धूप में जो महिलाएं खड़ी है, क्या यही योगदान है?
इस चिलचाते धूप में महिलाएं भी हैं, फूलों की बारिश हो रही है। महिलाएं, जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग खुल करके रोहिणी आचार्य जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जीत होगी, 2 लाख वोट के ऊपर से जीत होगी, 2 लाख वोट से ऊपर कहीं नहीं कोई इनके सामने में टिकेगा। देखिए कोई सामने नहीं टिकेगा। सुनील सिंह हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ दावा किया हो, देखिए जो युवा हैं सड़कों पर, हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। सारण में क्या माहौल लग रहा है राजीव प्रताप? पूरा माहौल टाइट, दावा करते हैं कि जीत है, हमने इनके जिताने के लिए जीत सुनिश्चित है, रोहिणी आचार्य जी निश्चित है। रूढ़ी जी के, रूढ़ी जी के गोद लिया हुआ पंचायत है, हम बोलते हैं कि आप एक ईंटा खोज के में दिखा दीजिए कि रूढ़ी जी लगाए हो। नहीं, इतना घटिया सांसद, इतना घटिया तो सांसद अभी तक नहीं मिला है। आप जो हरा गमछे वाले वो तो बोल रहे हैं क्या, यहाँ के आम युवा नौजवान है, कोई आम युवा दलित बस्ती है जहाँ लोग मिलते आ रही हैं, ये दलित बस्ती है, मिल लीजिए। हम बोल रहे हैं कि ये वो ईंटा अगर रूढ़ी जी का ना, बाद में ये सर्वे कीजिए, ये गोद लिया पंचायत हो आए, वो ईंटा उनका बता दीजिए कि लगा है। लालू जी यहाँ से जीते थे, क्या रोहिणी आचार्य लालू प्रसादव की तरह यहाँ पर रह पाएंगी, टिक पाएंगे, काम कर पाएंगे? बिल्कुल 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 100% जीतेगी, 2 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, क्या कुछ इनका कहना है, हम आपको सुनवा रहे हैं। भीड़ बहुत है, रोहिणी आचार्य क्या कह रही थी हमने आपको सुनवाया है, और ये अलग तस्वीर जब महिलाएं उनसे मिलने आ रही हैं तो वो बाहर निकल कर महिलाओं का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, काफी अलग दिख रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसादों की बिटिया रोहिणी आचार्य, जिन्होंने उन्हें किडनी दी थी, वो अब सारण की धरती पर उतरी हैं प्रचार प्रसार करने। खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि इस बार आरजेडी ने जिस तरह से सिंबल बांटे हैं, 5 कुशवाहा नेताओं को उन्होंने टिकट दिया है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेताओं का यह दावा है कि इस बार रिजल्ट जो है चौंकाने वाला होगा। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार ये कहते रहे हैं कि रिजल्ट जो है इस बार चौंकाने वाला होगा, तो देखना होगा रिजल्ट कैसा चौंकाने वाला होता है। रोहिणी आचार्य जब खुद सारण की मैदान में उतरी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने आपको सुनवाया है। सामने से राजीव प्रताप रूढ़ी है, लोगों का क्या कहना है आपको दिखा रहे। देखिए गाड़ियों का काफिला जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है, युवा जो है वो झंडे लहरा रहे हैं, आरजेडी का झंडा तरफ लहराया जा रहा है। तो ऐसे में इस चिलचिलाती हुई धूप में भी जब लोगों का जनसैलाब, लोगों की भीड़ सड़कों पर दिख रही है, तो क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, देखना होगा। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं, 400 सीट पर हमारी नज़र है। रोहिणी आचार्य जब सारण में उतरी है, पहली बार कही उन्होंने सोनपुर हरिहरनाथ क्षेत्र मंदिर जाकर लालू प्रसाद के साथ, राबड़ी देवी के साथ पूजा अर्चना की है, और हर तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी के गाने बज रहे हैं। आप समझ रहे हैं माहौल काफ़ी रंगीन होता जा रहा है, अब चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में। देखना है कौन कितने चौके छक्के लगाता है, क्योंकि हर बार दावे किए जा रहे हैं एनडीए की ओर से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 तारीख को जमुई आ रहे हैं, तो देखना होगा जमुई में आके वो क्या कहते हैं। नीतीश कुमार भी साथ होंगे, तो इस बार जब आरजेडी, कांग्रेस, माले एक तरफ है, वहीं दूसरी ओर एनडीए की जो तमाम घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जितना मांझी हो, इसके अलावा चिराग पासवान हो, लोजपा रामविलास के साथ नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, सभी एक तरफ है। तो देखना है इस कांटे की टक्कर में कौन किसे पटकनी देता है, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी भी यहाँ चुनाव जीते आए हैं, राबड़ी देवी को उन्होंने हराया है, एक बार चंद्रिका राय को उन्होंने हराया है। तो ऐसे में हर तरफ ये दावे तो किए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जीतेंगी, 2 लाख के वोट से मार्जिन से जीतेंगी, लेकिन देखना है रोहिणी आचार्य के दावे में भी दम दिख रहा है। वो सबको अपनी बेटी बता रहे हैं, सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन अब जब बिहार आई हैं, दावा कर रही हैं कि वो बिहार में ही रहेंगी, कि बेटी हैं, सारण की बेटी हैं। लालू प्रसाद ने अपनी बिटिया मीसा भारती को भी पाटलिपुत्र ग्रहण में उतारने का फैसला लिया है, तो देखना होगा मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो, लालू यादव की बेटियां इस बार कितना दम दिखाती हैं, क्योंकि इस बार बेटियों का दबदबा दिख रहा है। और हर तरफ माहौल जो है वो चुनावमय होते जा रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में। आप वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ही तय करेगा आपके जनप्रतिनिधि कौन होंगे। आप लाइव स्ट्रीम पर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। चिलचिलाती धूप में रिपोर्टिंग जारी रहेगी, आप लाइव स्ट्रीम पर नज़र टिकाए रखें। धन्यवाद।